बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज आए हम जी चिड़ियाघर में, कराची के चिड़ियाघर में, और बहुत खूबसूरत जगह है। आप मेरी पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, यकीन आप बहुत इंजॉय करेंगे। तो ये सबसे पहले जो जगह ये है जी कराची का चिड़ियाघर का मशहूर एलिफेंट। यहाँ पर इन्होंने, जब मैं गई थी तो वो बिल्कुल वो बंद किया हुआ था, अंदर जाने की किसी को परमिशन नहीं थी, टिकट नहीं दे रहे थे, पता नहीं क्यों, ये वजह मुझे समझ नहीं आई है। और ये खाने पीने की जगह है, यहाँ पे बहुत सारे खाने पीने के स्टॉल्स लगे हुए थे, यहाँ पे काफ़ी रश था। यहाँ पे चिड़ियाघर की खसूसियत ये है कि यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी वैराइटीज़ हैं जिनके स्टॉल्स हैं यहाँ पर, और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, नेचुरल माहौल है, बहुत खूबसूरत। लेकिन जो चीज़ नहीं मिलेगी, जिस मकसद के लिए बनाया गया है, वो है एनिमल्स, जानवर, वो इस चिड़ियाघर में आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। पिंजरे तकरीबन खाली ही मिले थे मुझे वहाँ पे। तो ये सबसे पहला है, सेकंड जिसमें ये हिरन है, और मैंने बड़ा गौर और फिक्र करने के बाद मुझे चंद हिरन नज़र आए थे, लेकिन ये बिल्ली यहाँ पर घूम रही थी बड़ी प्यारी सी, और कौवे थे यहाँ पे। माहौल बहुत प्यारा है, नेचुरल यहाँ पे सारा जो उन्होंने बनाया हुआ है पिंजरों के अंदर, वो बहुत खूबसूरत है। और अब आगे चलते हैं, रश बहुत है, संडे का दिन है, और ये जी हमारे शेर साहब बहुत कमज़ोर से लागर से शेर हैं, और जिनसे बोला भी नहीं जा रहा, बड़े आराम से बैठे बेचारे इधर उधर देख रहे हैं। और मुझे बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था इनको देखकर, इतनी पता नहीं खुराक की कमी है, क्या वजह है ये इतने वो कमज़ोर कमज़ोर शेर थे। और ये है जी सफ़ेद शेर, जिसकी वजह से ये मुझे वीडियो बनानी पड़ी। लास्ट टाइम गई थी तो ये शेर बड़ा माशाल्लाह प्यारा खूबसूरत शेर था, और आज इसका पिंजरा खाली है। थोड़े दिनों पहले ही खबर मिली थी कि उसकी डेथ हो गई है, और खुराक की कमी की वजह से या किसी भी वजह से, लेकिन बहुत अफसोस की बात है, बहुत खूबसूरत जानवर था वो। इसके बाद है ये जी कछुए, जो इस तरह अपने पिंजरे में पड़े हुए थे जैसे पत्थर होते हैं, ये मैं हमेशा जब जाती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। यकीन करें माहौल बड़ा खूबसूरत है, अंदर आप दिखे बहुत अच्छा सब बिल्कुल नेचुरल बनाया हुआ जैसा कि होना चाहिए, बहुत अच्छा है। लेकिन ये देखें, ये बहुत एजड हैं, बहुत बड़े बड़े थे, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे पत्थर हैं, बिल्कुल हिलजुल नहीं रहे थे, एक ही जगह रखे हुए थे, एक ही जगह पड़े हुए थे। हाँ जी, इसके बाद ये मछलियों का एक्वेरियम है, आप ग्रीनरी देख रहे हैं, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी, बहुत अच्छा था। अगर किसी ने एज अ गार्डन यहाँ पे आना है घूमने फिरने के लिए, तो बेस्ट जगह है, गार्डन के लिए आइए, जानवर देखने के लिए मत आइए, क्योंकि वह यहाँ नहीं मिलेंगे आपको। और ये जी फिश एक्वेरियम है, और फिश एक्वेरियम में बहुत प्यारी प्यारी मछलियाँ थी, वाहिद जगह थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़बरदस्त बहुत खूबसूरत फिशेज हैं यहाँ पे, बच्चे बड़े सब बहुत इन्जॉय कर रहे थे, मेरे बच्चे भी साथ थे, उन्होंने भी बहुत इन्जॉय किया और बहुत खुश हो रहे थे फिशेस को देख के। ग्रीनरी देखिए आप, सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी ग्रीनरी थी, बहुत अच्छे पौधे लगे हुए थे, बड़े बड़े बहुत पुराने दरख्त थे यहाँ पे, बहुत अच्छे थे, सफाई का भी खास ख्याल रखा हुआ था, मुझे बहुत कम गंदगी यहाँ पर नज़र आई, लेकिन अच्छा था क्योंकि लोग बहुत थे, इस वजह से फिर ऐसा तो हो जाता है जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं। तो ये बत्तखे हैं, ये बड़ा प्यारा था, यहाँ पे बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, और सबसे ज़्यादा रश भी यहीं पे लगा हुआ था, लोग उनको खाने पीने की चीज़ें खिला रहे थे, ख़ासतौर पे पॉपकॉर्न और इस तरह की चीज़ें खिलाई जा रही थी। मेरे हस्बैंड भी पॉपकॉर्न लेकर आ गए इनके लिए, और बच्चे इनको बड़े शौक़ से खिला रहे थे। बहुत प्यारी सफ़ेद सफ़ेद बत्तखें, बहुत देखने में अच्छी लग रही थी, और यहाँ पर हम काफ़ी देर खड़े रहे, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे बच्चे थे जो इनको खिला रहे थे। रश देखिए, संडे वाले दिन तो बहुत रश था, मुझे सिर्फ बच्चों की छुट्टी की वजह से संडे का दिन सिलेक्ट करना पड़ना, वरना मैं संडे वाले दिन नहीं आती, जैसे बच्चों की छुट्टी थी तो इसलिए आना पड़ा। हाँ जी, अब देर जा रहे हैं जी हम बोटिंग की तरफ, ये छोटा सा तालाब बनाया हुआ है इन्होंने, यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की बोटिंग है, छोटे बच्चों के लिए भी अलग रखी गई हैं, और बड़े बच्चों के लिए बड़ी कश्ती है फैमिलीज़ के लिए, और पैडल
वोटिंग है, मेरे बच्चों ने भाई 5 तारीख इसमें ज़रूर बैठेंगे, क्योंकि वो हमेशा अपने पापा के साथ जाते तो इसमें ज़रूर बैठते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। तो आज मेरे ना कहने के बावजूद वो लोग यहाँ बैठे हैं। एंड ये बड़ी ज़बरदस्त सी ट्रेन है जो यहाँ से गुजर रही है और इसमें बड़े बच्चे सब बैठे हुए थे और इंजॉय कर रहे थे। ये देखिए जी, इनके प्राइस लिखे हुए हैं, कश्ती रानी है, मोटर बोट है, देखिए बड़े रिजनेबल है इसके, इनकी जो टिकट के है चार्जेस, कश्ती रानी, मोटर बोट, पैडल बोट। मेरे बच्चे और हम पैडल बोट पर बैठे थे और मेरा बिल्कुल मूड नहीं था कि मैं इस पर जाऊँ, लेकिन बच्चों के कहने पर और सिर्फ उनके साथ बैठने के लिए मैं बैठ गई थी, साथ देने के लिए। मज़ा आया, इंजॉय किया बच्चों ने बहुत ज़्यादा। हाँ जी, पैडल बोटिंग के बाद हम लोग यहाँ आ गए हैं। यह है जी मुमताज़ महल, यहाँ पर जी कहा जाता है कि ज़्यादातर लुंगी का है और इंसान का सर है। तो यहाँ पे आप देखिए बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ था, तो यहाँ पे जाने के बारे में हमने सोचा भी नहीं कि यहाँ पे जाएंगे, क्योंकि इसमें मुझे कोई खास इंटरेस्ट भी नहीं था। तो इसलिए इसके बाद हम ज़रा थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए कुछ जगह ढूँढ रहे थे कि थोड़ी देर बैठा जा सके। थोड़ी देर हम बैठे थे, पानी वानी पिया और जो चीज़ बच्चे अपने साथ लेकर आए थे वो उन्होंने खाई। और ख़ासतौर मैं बच्चों के लिए एडवाइस करूँगी कि ऐसे ही पब्लिक प्लेस पर आएँ तो यहाँ पर जो चीज़ें मिल रही हैं वो मत खाया करें, बल्कि अपने घर से साफ़ सुथरी चीज़ें बनाकर लाएं और वही बच्चों को दें, यहाँ से परचेज मत करें। हाँ जी, ये लास्ट रह गया था रीच का पिंजरा, जो उसको भी हमने कहा देख लें। और ये हम काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आए थे खासतौर पर इसको देखने के लिए, बच्चे बड़े एक्साइटेड थे। तो जनाब ये पूरा पिंजरा मैंने पूरी गोल गोल घूमकर मैंने देख लिया, यहाँ पर कोई जानवर नहीं था, कुछ भी नहीं था, बहुत खूबसूरत बना हुआ था, बहुत प्यारा, पौधे वौधे लगे हुए थे। और लेकिन यहाँ पर जो जिसको होना चाहिए था ना, जिसके लिए बनाया गया था, वो यहाँ पर नहीं था। तो ये एक और हमें खाली पिंजरा मिला है। वो भाग भाग कर इसके पास आ रहे थे देखने के लिए, इसकी आवाज़ सुनकर। और ये जी देख लीजिए, इसको कहते हैं जी बकर शेर। तो आप मुझे बता दीजिए, आपने भी टीवी पर और यहाँ या कहीं और आपने बकर शेर को देखा होगा, तो ये ऐसा बकर शेर होता है क्या? ऐसा बकर शेर मैंने कहीं नहीं देखा। ये थोड़ी देर धाड़ा है बेचारा, 3-4 धाड़े मारी है इसने और इसके बाद ये चुप करके ऐसे लेटा है जैसे थक गया। ये देख रहे हैं आप इसको, जैसे बिल्कुल लेट गया थे, जैसे थका हुआ, लागर कमज़ोर ये बब्बर शेर था, जिसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। चिड़ियाघर के इंतज़ामिया को सीरियसली इसको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, सोचना चाहिए जानवरों के देखभाल के लिए कोई ख़ास निज़ाम बनाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कीमती हैं और इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी उन पर है। अभी आप यहाँ से मैं गुजरी हूँ, यहाँ पर भी तकरीबन 2 से 3 पिंजरे थे जो बिल्कुल खाली थे, जो कहीं किसी ज़माने में यहाँ पर जानवर होते थे सब में, लेकिन अब बिल्कुल खाली थे और ज़्यादातर पिंजरे यहाँ पर खाली थे। चले जी, ये थी हमारी आज की वीडियो, हमारा आज चिड़ियाघर का विज़िट हुआ कम्प्लीट। उम्मीद करती हूँ आपने इंजॉय किया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।